दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरद्योग चिंतामणि रस के बारे में। इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए हरद्योग चिंतामणि रस जो होता है एक रस रसायन औषधि होती है और ये एक टेबलेट फॉर्म में होती है। तो दूध पापेसर इसको बनाती है, यानी दूध पापेसर कंपनी का पेटेंट प्रोडक्ट है। और आपने दूध पापेसर कंपनी काफ़ी जानी मानी आयुर्वेद की कंपनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ इनकी मार्केट में आपको देखने को मिल जाती हैं। ये जो दवाई होती है हृदय के लिए होती है, यानी हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करती है। पाल्पिटेशन, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का काम करती है। इसके अलावा हृदय से रिलेटेड जितनी भी परेशानियाँ होती हैं तो उसमें ये सभी तरह की परेशानियों में ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आपको हृदय से संबंधित परेशानियाँ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले बात करेंगे इसके फॉर्मूले के बारे में और बताएंगे इसको किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कितने में आपको मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। देखिए व्रत वात चिंतामणि रस एक रस रसायन एक औषधि होती है, जिस पर मैंने पहले से डिटेल वीडियो बनाया, वो इसके अंदर इस्तेमाल होती है। व्रत वात चिंतामणि रस वो भी हृदय रोगों के लिए। इसके अलावा इसके अंदर अर्जुना का इस्तेमाल किया गया है। देखिए अर्जुन की जो छाल होती है वो भी आपके हृदय के लिए बहुत अच्छी होती है, और हृदय अर्जुना रिष्ट आपने देखा है, और भी बहुत सारी चीज़ों में अर्जुना का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जटामासी, अकीक पिष्टी का इस्तेमाल किया गया, मंजिष्ठा, अभ्रक बसम और पूर्ण चंद्रोदय रस के मिश्रण से इसे हरद्योग चिंतामणि रस को तैयार किया जाता है। चलिए बात करेंगे इसके फायदे के बारे में कि किन किन परेशानियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए स्वस्थ शरीर के लिए हमारा जो शरीर है उसके लिए वास्तव में सबसे ज़्यादा जो चीज़ जरूरी होती है वो होता है हमारा दिल। हमारा जो दिल होता है पूरे शरीर में ब्लड को पहुँचाने का काम करता है, और हमारे ब्लड को भी पूरी एक तरह से फिल्टराइजेशन करने का काम करता है। तो दोस्तों ये जो दवाई है हमारे हार्ट को मजबूती देने का काम करती है, यानी दिल को हमारे मजबूती देती है, जिससे कि हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे। ये दिल से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने का काम करती है। पाल्पिटेशन है, दिल की घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, उसको ठीक करती है। साथ साथ दिल की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको ताकत देने का काम करती है दवाई। अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है तो उस तरह की कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। और इसके अलावा ये वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने का, तीनों को संतुलित करने का काम करती है, जिससे कि हमारी बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होती है। अब वात रोगों में भी इसको काम में ले आता है। वात रोगों में आता है जिसमें कमजोरी हो जाना, चक्कर आना, ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसी कंडीशन, जोड़ों का दर्द की समस्या, यह सामान्य अगर कमजोरी है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए वात रोगों में अगर आपको जोड़ों में दर्द की समस्या है, जॉइंट पेन की समस्या है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सामान्य कमजोरी है, इस तरह की कंडीशन है, तो भी ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। अब इसको लेना कैसे चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब इसको लेने के लिए आपको एक दिन में एक टेबलेट दिन में दो बार इसकी ली जा सकती है, यानी एक एक टेबलेट सुबह शाम आप इसकी ले सकते हैं खाना खाने के बाद में। और इसको शहद के साथ में, मक्खन के साथ में, मलाई के साथ में या दूध के साथ में, इस तरह की चीज़ों में मिलाकर इसको ज़्यादातर लिया जाता है। नॉर्मली आप इसे पानी से भी यूज कर सकते हैं। तो ये 100 टेबलेट का पैक आपको 343 रुपए के आसपास मिल जाएगा, और 30 टेबलेट आपको 132 रुपए के आसपास जो है दूध पापेसर का आपको मिल जाएगा। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा हरद्योग चिंतामणि रस के बारे में। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।